कटिहार के अहमदाबाद में दो अल्ट्रासाउंड सेंटर को छापेमारी के बाद किया गया सील, कई तरह की त्रुटि मिलने के बाद की गई कार्रवाई। जिलाधिकारी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अहमदाबाद प्रखंड के अंदर दो अल्ट्रासाउंड सेंटर के लिए जांच के लिए हमें निर्देश मिले थे। जांच के दौरान हमारे तीन सदस्यीय धावा टीम के जांच में ये पता चला है कि वहाँ कुछ त्रुटियाँ चल रही जिनके कारण उन्हें सील करना पड़ा है। कौन कौन अल्ट्रासाउंड अधिकारी कौन कौन शामिल हैं? दो अल्ट्रासाउंड, एक मारुति अल्ट्रासाउंड है और दूसरे का नाम हिंदुस्तान अल्ट्रासाउंड है। धनबाद में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 15,000 रिश्वत लेते पकड़े गए अंचल कार्यालय के बड़ा बाबू, घर से लाखों रुपए बरामद। समस्तीपुर से थाने के बाहर खड़ा जब्त ट्रक गायब, चोरी की सूचना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप, शराब के साथ ट्रक को किया गया था जब्त, एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई में जुटी पुलिस। पूर्णिया में बाजार से लापता हुई युवती, शादी की शॉपिंग करने निकली थी युवती, राहुल नामक युवक पर अपहरण का शक, परिजनों ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। जमशेदपुर की ग्रामीण पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पोटका की मुगल साई हत्याकांड का किया खुलासा, दो दिन पहले हुई थी हत्या, चार आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पटना सिटी के अगमकुआ में अपराधियों ने एक युवक का किया अपहरण, विरोध के बाद लोगों ने किया सड़क जाम, पुलिस पर लगाया कार्रवाई न करने का आरोप। वो अपने जमीन पर बोर्ड लगाने जा रहा था कि जमीन बिक्री का नहीं है, और कोई बोर्ड लगा लेकर जा ही रहा था ना, दलाल लोग जो है दलाल गाड़ी में बैठा के किडनैप कर लिया, उठा के लेके चला गया। हम इसलिए रोड जाम थाना पर गए, दो घंटा बैठाया, कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया, वहाँ से जब आने लगे तब एफआईआर दर्ज किया गया है, उसके बाद हम यहाँ आके रोड जाम किया। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दो पक्षों में जमकर मारपीट, एक महिला समेत छह लोग घायल, सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। देखिए लड़ाई के मामले थोड़ा बहुत ताड़ी की वजह से नशा में था, तो उसको लोग मार रहा था, रिजवान नाम था, उसको मार रहा था ना, तो लोग जुटा सब कि भाई काहे लड़ाई हो रहा है, तो दोनों को ऐसे जैसे छुड़ा देवल गया। हरेंद्र यादव करके एक लड़का इंजोर्ड है, वो आया मोटा डंडा लेके बीच में फूट गया, उसके बाद सुनील चौधरी मार मियाँ के मार मियाँ के, पूरे वार्ड जो है वो भी आए कमलेश चौहान के मार मियाँ के देखे पूछिए। बेगूसराय में ससुराल गए युवक पर उसकी पत्नी और ससुर ने चाकू से किया हमला, युवक की हालत गंभीर, युवक ने पत्नी पर लगाए दूसरे युवक से अवैध संबंध का आरोप। 8:30 बजे आए किए थे, 11:30 बजे अब तो सोए थे। किसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था आपकी पत्नी के? आप विरोध उसी का कोई है रिलेशन में, हम विरोध किए तो विरोध करने के नतीजा ही हुआ, जान मारने का उसका पूरा इरादा था, बल्कि जैसे वो दो बार चाकू अटैक किया तो उसने में उतना फर्क पड़ा, जब तीसरा बार क्या नजर खुला, चौथे बार पूरा कर दिया, चौथा बार जैसे चाकू मेरा लाइन कट गया। आरा में घर से बारात देखने गए युवक की हत्या, खेत में मिला युवक का शव, मौके पर पहुंचे पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। बिया थाना अंतर्गत जो है वहाँ पर एक गुमती है, गुमती से कुछ दूरी पर जो है एक छात्र का जो है वहाँ पे शव बरामद हुआ था, और उसको शुरुआत में तो नहीं पता चला था क्या रीजन है, और लेकिन उसमें हम लोग पता कर रहे हैं उनके परिजनों से, जैसे ही उसके बारे में सूचना मिलेगी और अनुसंधान कर रहे हैं इसमें क्या रीजन है, तो पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट प्राप्त होगी कि कहीं किसी दोस्ती में या किसी अन्य वजह से जो भी अगर कुछ हुआ होगा इसमें घटना, तो उसको हम लोग अनुसंधान के उपरांत जो भी उसमें अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी करते हुए घटना के कारण को अभियुक्त अवगत करा देंगे। जमुई में बेखौफ अपराधियों ने लूटपाट की वारदात को दिया अंजाम, चंद्रमंडी के धमनिया मोड़ के पास बाइक सवार अपराधियों ने सीएसपी संचालक से की लूटपाट, लैपटॉप समेत तीन मोबाइल फोन लेकर हुए फरार। कितना पैसा था? हम नहीं बता सकते हैं, धीरज ही बता सकते हैं। धीरज भी घायल है ना? हाँ। क्या क्या सामान था लोगों के बैग में? जैसे रोज लाते थे लैपटॉप था, मोड़को रहता था हाथ पे, देखो इजी वाला मोबाइल रहता था, इतना हमको पता है। मोतिहारी में पुलिस कैद से फरार अपराधियों के मामले में कार्रवाई, ड्यूटी पर लगे सिपाही को किया गया निलंबित, एनडीपीएस एक्ट में दो विदेशी नागरिकों को किया गया था गिरफ्तार। कैदी फरार हुए जनवरी माह में, पकड़ा गया था मलेरिया का कैदी, उपस्थापन में व्यक्ति तकनीक था, तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है, एक सर मामले की जाँच कर रहे हैं और इलाके को सबक किया गया है, पकड़ा गया।
सुपौल के पिपरा में भारी मात्रा में नेपाली शराब बरामद। गुप्त सूचना के बाद पुलिस ने सखुआ गांव में की छापेमारी। पुलिस की कार्रवाई के दौरान फरार हुए तस्कर। समस्तीपुर में चोरों के हौसले बुलंद। मंदिर का गेट तोड़कर हनुमान मंदिर में की लाखों रुपए की चोरी। दान पेटी घंटी के साथ हनुमान जी पर लगे आभूषण भी ले उड़े चोर। हसनपुर बाजार के हनुमान मंदिर की घटना। औरंगाबाद में आपसे विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। एक महिला समेत छह लोग घायल। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के वाहिद बिघा गांव की घटना। खगड़िया में पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। शराबी को घर से घसीटते गाड़ी तक लेकर गई पुलिस। पुलिस की बेरहमी से पिटाई का वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। पूर्णिया में भीषण आग की चपेट में आने से 40 घर जलकर राख। लाखों की संपत्ति जलकर राख। खाना बनाने के दौरान घर में आग लगने से हुआ हादसा। धनबाद में एट एंड रन का मामला। अकाल की चपेट में आने से बीसीसीएल के एक इंजीनियर दंपति की मौत। एक मासूम बच्चा घायल। बच्चे को अस्पताल में कराया गया इलाज के लिए भर्ती। भागलपुर में गंगा नदी पर पुल गिरने के बाद कैमूर जिले में कुदरा पर पुलिया क्षतिग्रस्त। प्रशासन ने लगाया बोर्ड। ट्रक बस और भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित। ग्रामीणों को हो रही परेशानी। बोकारो में वेदांता इलेक्ट्रो स्टील में काम करने वाले मजदूर नेपाली महतो की सड़क हादसे में मौत। परिजन और स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर लगाया जाम। प्रबंधन से बातचीत नहीं होने पर प्लांट के तीनों गेट करेंगे बंद। वैसी के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार। का नाथूराम गोडसे भारत के सपूत थे। गोडसे गांधी जी के हत्यारे हैं तो वे भारत के सपूत भी हैं। नाथूराम गोडसे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान का बीजेपी ने किया बचाव। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा बाबर और औरंगजेब के नाम पर क्यों खिसिया जाती है कांग्रेस। माननीय गिरिराज जी ने बाबर और औरंगजेब को आक्रांता कहा तो कांग्रेस बौखला गई। क्या कांग्रेस बाबर और औरंगजेब को भारतीय मानती थी? क्या यह उनके पुरोधा है? निश्चित रूप से बाबर और औरंगजेब आक्रांता थे और आक्रांता माने जाएंगे। जहां तक नाथूराम गोडसे का सवाल है तो भारत में पैदा हुए थे, भारत के पूत थे। उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या हुई और कोर्ट। सुपौल में बीजेपी विधायक नीरज बबलू का नीतीश कुमार पर हमला। कहा नीतीश कुमार हो गए हैं नीतीश आलम। नीतीश ने अपराधियों के सामने टेके घुटने। कि बिहार में पूरी तरह जंगल राज हो गया है और जो नीतीश कुमार जी है ना ये हो गए हैं मोहम्मद नीतीश आलम। ये मोहम्मद नीतीश आलम जो है ना अपराधियों के सामने घुटना टेक दिया है। ये घुटना टेक मुख्यमंत्री हो गया है। इनका पूरी तरह इकबाल खत्म हो गया है। बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा बिहार में 70 घोटाले की जांच क्यों नहीं करवा रही सरकार। पुल टूटने पर जवाब नहीं दे पाई है सरकार। अगवानी घाट पुल सुल्तानगंज जनता की गाढ़ी कमाई पानी में दह गया। ऐसे तो पानी के नाम पर कई खेल हुआ। हर घर नल का जल, जल जीवन हरियाली और गंगा जल तक पानी का खेल चलते रहा लेकिन अब तो पुल भी पानी में बह रहा है। दरभंगा बिहार से खुल गया तारामंडल। भारी संख्या में शो देखने पहुंचे छात्र। आम लोगों ने की तारामंडल की खुलकर तारीफ। 164 करोड़ की लागत से बना है तारामंडल। 3D इफेक्ट में, 3D इफेक्ट का मतलब ये होता है कि आप चश्मा लगा के देखते होंगे तो 3D इफेक्ट लगता है कि बहुत पास चीज नजर आती है। 3D इफेक्ट में यहाँ पे तारामंडल में सारी चीजें दिखाई जा रही है। ये बहुत ही अपने आप में खुशी की बात है और ये यहाँ के लोगों के लिए गर्व की बात है। इसके यहाँ आने से रोजगार भी बढ़ेगा, यहाँ पे लोग संपन्न भी होंगे। बिहार के युवाओं के लिए अच्छी खबर आई सामने। पुलिस में निकली बंपर वैकेंसी। 21,391 सिपाही के पदों पर निकली भर्ती। वैकेंसी पर तेजस्वी यादव ने किया ट्वीट। बताया ऐतिहासिक फैसला। बिहार पुलिस की वैकेंसी पर RJD के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का बयान है सामने। कहा तेजस्वी यादव ने जो वादा बेरोजगारों से किया था वो अब पूरा होने लगा है। तेज रफ्तार और नियुक्तियों की भरमार। जनता से जो इकरार नामा था नए गठबंधन की जो सरकार महागठबंधन की बनी, तेजस्वी जी ने पहले ही कहा था 20 में ही कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोलेंगे। भले ही 2020 में हम नहीं आए, बाद में हम गठबंधन के सत्ता में आने के बावजूद भी हमने अपनी प्रतिबद्धता को बरकरार रखा और आगे उस दिशा में हम बढ़ भी रहे हैं।
बिहार पुलिस में 21,000 पदों की भर्ती पर बोले पूर्व मंत्री नीरज कुमार का नीतीश कुमार जो वादा करते हैं उसे करते हैं पूरा। नीतीश सरकार में युवाओं को मिलेगा 60 साल की नौकरी का मौका। जो बेटियां साइकिल से घर से निकलती नहीं थी आज वो बेटी AK-47 लेकर के नागरिकों को सुरक्षा दे रही है। और वैसे दौर में जब भारत माँ के सीमा की रक्षा के लिए नौकरी 4 वर्ष का अग्निवीर के रूप में अनुकंपा का लाभ नहीं पेंशन का लाभ नहीं, वैसी स्थिति में माननीय नीतीश कुमार जी का यह निर्णय लेना कि 60 वर्ष की उम्र सीमा तक नौकरी करेगा बिहार का बेटा और बेटी पुलिस बलों में बड़े पैमाने पर बहाली, तो यह तो आईना की तरह साफ है। मुजफ्फरपुर में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव केंद्र सरकार पर हमला बोलते नजर आए। कहा उड़ीसा रेल हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा दे सरकार। हादसा हुई 500 और 350 के बीच में लोग 100 गायब हैं, 54 लोग बिहार के मरे हैं जिसमें 14 से 21 के बीच में मुजफ्फरपुर के लोग जी, और अभी तक मात्र 34 लाश आया है 32 से 34 पूरे बिहार में। रेलवे इंश्योरेंस भी है, टिकट है, देना ले तो लेंगे चाहे लड़के ले चाहे मर। पटना में 23 जून को विपक्षी दलों के नेताओं की होगी बैठक। हम प्रवक्ता विजय यादव बोले बैठक में जीतन राम मांझी होंगे शामिल। 11 जून को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बनाएंगे 76वां जन्मदिन। पटना में आरजेडी ने पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया पोस्टर, कार्यकर्ताओं और नेताओं में बेहद उत्साह। राज्य में झारखंड राज्य समन्वय समिति की बैठक खत्म। निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण लागू करने समेत राज्य के युवाओं के नियोजन पर भी चर्चा। मीटिंग में सरना धर्म कोड को लेकर भी चर्चा। सबसे पहले जो निजी क्षेत्रों में और परियोजनाओं में 75% आरक्षण का जो प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है उसको सख्ती से लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया है सरकार से, और परामर्श भी हम लोगों ने सरकार को देने का काम किया है। झारखंड में समन्वय समिति की बैठक पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह का बयान। कहा सत्ताधारी दल के लोग राजभवन पर बनाते हैं दबाव, राज्यपाल आंख बूंद कर बिल पर नहीं कर सकते साइन। बैठक में कुछ भी आरोप लगा सकता है, भाई इनकी समन्वय समिति है जेएमएम कांग्रेस और राजद की है। अब उस बैठक में तीनों दल महामहिम राज्यपाल पर कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। ये चाहते हैं कि गलत शर्त जो भी राजभवन भेजे और राजभवन उस पर हस्ताक्षर करके मुहर लगा करके इनके बाद भेज दें, ये काम तो राजभवन नहीं कर। महाजनसंपर्क यात्रा के तहत चतरा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास। कार्यक्रम में गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। कहा झारखंड में भ्रष्टाचार के आगे नतमस्तक है सरकार। सीमा पाटन और एक गरीब कल्याण बरस रहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जोर से देश तभी आगे बढ़ सकता है जब समाज में जो शोषित है, दलित है, जो पीछा है, जो उपेक्षित है, उसके जीवन में बदलाव नहीं आएगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। और आज हम देख रहे हैं 9 वर्षों में देश में भी बदलाव आए, लोगों की सोच में भी बदलाव आए। रांची में सेना जमीन घोटाले में ईडी का एक्शन जारी। अमित अग्रवाल दिलीप घोष से आज हो रही पूछताछ। पूछताछ के बाद जमीन घोटाले में हो सकते अहम खुलासे। 7 जून को हुई थी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष की गिरफ्तारी। बाबूलाल मरांडी ने खाली पड़े आयोग के पद के लिए हेमंत सरकार पर साधा निशाना। कहा आयोग को लेकर सरकार की मंशा ठीक नहीं, सूचना आयोग और लोकायुक्त का पद है खाली। 12 जून को होगा पटना रांची वंदे भारत का ट्रायल रन। हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेगी ट्रेन। सांसद जयंत सिन्हा ने किया स्टेशन का निरीक्षण। नमस्कार साथियों, आज एक सुखद समाचार के साथ हम लोग यहाँ हजारीबाग ट्रेन स्टेशन में हैं। साथ साथ यहाँ इस स्टेशन की पूरी टीम भी मौजूद है और अभी मेरी उनसे चर्चा चल रही थी और अभी ही मैंने DRM धनबाद से भी बातचीत की इस विषय पर।
आप सबको मालूम है, आज अखबारों में भी निकला है कि 12 जून को हम लोग वंदे भारत का ट्रायल करने वाले हैं। 6:55 से राजेंद्र नगर ट्रेन स्टेशन से पटना से रवाना होते हुए यहाँ वंदे भारत ट्रेन पहुँचने वाली है और यहाँ से बड़काखाना और बड़काखाना से लेकर वो रांची जाएगी। तो ये ट्रायल वंदे भारत का होने वाला है। आपको मालूम है कि ये जो ट्रेन है ये जमशेदपुर में हिंसा के विरोध में हिंदू परिषद के लोगों का रांची में प्रदर्शन, राजभवन के पास दिया धरना, हेमंत सरकार पर लगाया तुष्टिकरण का। रांची में नियोजन नीति 7:40 को लेकर दिख रहा बंद का असर, छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के साथ दर्जनों छात्र मौजूद, समर्थकों ने काटाटोली के हाथगड़ा बस स्टैंड पहुंचकर बस सेवाओं को कराया बंद। नियोजन नीति की मांग को लेकर छात्रों ने 2 दिवसीय झारखंड बंद का ऐलान किया, पहले दिन छात्रों ने सड़कों पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। धनबाद में भी 7:40 नियोजन नीति के खिलाफ छात्र संगठन हुए एकजुट, जिले के मुख्य सड़क बैंक बोर्ड और श्रमिक चौक के बीच पुल के नीचे धरने पर बैठे छात्र जमकर की नारेबाजी। बुखार में 2 दिवसीय बंद को लेकर जेएसएसयू का हल्लाबोल, सड़क पर उतरे छात्र संगठन, तालगड़िया मोड़ के पास धनबाद पुरुलिया नेशनल हाईवे किया घंटों चार। गया के अफसर ट्रेनिंग अकादमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन, दक्षिणी कमान के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह हुए शामिल। पासिंग आउट परेड के बाद 71 कैडेट भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में हुए शामिल। मुजफ्फरपुर में भीषण गर्मी का कहर, बर्बाद हो रही है लीची की फसल, पेड़ में ही फट रही है लीची, लीची बर्बाद होने से किसान परेशान। सुपौल में निर्मले रिंग बांध के किनारे रह रहे लोगों को नोटिस, जमीन खाली करने का दिया गया नोटिस, लोगों ने अतिक्रमण खाली करने से पहले भूमिहीन परिवारों को जमीन उपलब्ध कराने की मांग। बेतिया में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर किसान सलाहकार संघ, 13 सालों से कम मानदेय देकर बिहार सरकार पर शोषण का लगाया आरोप। सरायकेला के कमरिया प्रखंड में लीगल एम्पावरमेंट कैंप का आयोजन, परिसंपत्तियों का किया गया वितरण, दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। सिवान के दरौंदा जंक्शन पर बनारस डीआरएम ने किया निरीक्षण, साफ सफाई का लिया जायजा, जल जमाव की समस्या के निराकरण का दिया भरोसा। सुपौल में सिविल सर्जन ने स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा की, कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण, जिले के सभी CHO, STS और STLS के साथ हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर की सुविधाओं का भी जायजा लिया। सिवान में बच्चों की प्रतिभा में निखार लाने के लिए बड़ी पहल, एम हाई स्कूल में बने खेल भवन के समर कैंप का आयोजन, दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया गया उद्घाटन, DDC, SDM और जिला शिक्षा पदाधिकारी में शामिल तमाम अधिकारी रहे मौजूद। बिहार में टूटा गर्मी का रिकॉर्ड, 43 डिग्री के पार पहुंचा पारा, 3 दिन बाद मौसम में आ सकती है थोड़ी नरमी, विभाग का लोगों से अपील, दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक घर से जरूरी काम न हो तो न निकलने की अपील। बेतिया में भीषण गर्मी का प्रकोप, चील चिलाती धूप और तेज गर्मी से लोगों का जीना मुहाल, लोगों ने नगर परिषद से की शहर के प्रमुख स्थलों पर शेड लगाने की मांग। बिहार के आरएमए 38 नए अमीन को दिया गया नियुक्ति पत्र, समाहरणालय परिसर में डीएम राजकुमार ने सौंपा नियुक्ति पत्र, डीएम ने अमीन को काम के प्रति संवेदनशील होने की नसीहत दी। पूर्णिया के अमौर में ANC जांच कार्यक्रम का आयोजन, 200 महिलाओं ने कराया ANC जांच, गर्भवती महिलाओं का किया जाता है एंटी टेनल केयर टेस्ट। कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष का भभुआ में हुआ सम्मान समारोह, जिलाध्यक्ष सुनील कुमार का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, सुरेंद्र पाल को हटाकर सुनील कुमार को बनाया गया जिलाध्यक्ष। बेतिया के नौतन में स्वच्छता को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान, ग्रामीणों को किया गया जागरूक, कचरा उठाओ व प्रबंधन कार्यक्रम को दिखाई गई हरी झंडी। सुपौल के पिपरा में किसान सलाहकारों का धरना, कई मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन, जन सेवकों में समायोजन, बीमा और पेंशन की कर रहे मांग। सरायकेला में 12 साल से नहीं बन सका है 500 बेड का अस्पताल, 152 करोड़ में से 102 करोड़ हो चुके हैं खर्च, संवेदक को 2 साल में करना था काम पूरा, अभी तक भवन का 70% कार्य भी नहीं हो सका है पूरा। भागलपुर के सबसे बड़े अस्पताल मायागंज में पानी की किल्लत से मरीज परेशान, बाहर से पानी खरीद रहे मरीज और मरीज के परिजन, पानी किल्लत को लेकर जल्द दूर करने की मांग। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर में ई रिक्शा पर ट्रक पलटने से 2 महिला समेत 3 लोगों की मौत, 12 घायल, हादसे के बाद सभी घायलों को PHC में कराया गया भर्ती। नालंदा के बागन बीघा थाना क्षेत्र में हादसा, तेज रफ्तार बोलेरो और सरकारी बस में टक्कर, हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया इलाज के लिए भर्ती।
सुपौल में सदर प्रखंड में करंट की चपेट में आने से दिव्यांग युवक की मौत। युवक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। मृतक की पहचान शंकर मुखिया के रूप में की गई। केला बगान के में पटवन के दौरान हुआ हादसा। बोकारो में बाइक चोरों के खिलाफ पुलिस को मिली सफलता। 3 बाइक चोर गिरफ्तार। दिग्धा थाना क्षेत्र में पुलिस ने की कार्रवाई।